फिल्म द केरल स्टोरी भारत के दक्षिणी राज्य केरल के 32,000 महिलाओं की कहानी है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि किस तरह से इन महिलाओं को इस्लाम धर्म में शामिल किया गया और इसके बाद इन्हें सीरिया भेजा गया। इस मूवी में दिखाया गया है कि पहले लड़कियों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया जाता है, इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म के करीब लाया जाता है और इस्लाम धर्म के प्रति उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इसके बाद उन्हें मुस्लिम लड़कों से शादी कराया जाता है और फिर उन्हें नर्स बनने के लिए विदेश भेज दिया जाता है जहां वो ISIS के चंगुल में फंस जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल के एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर दी थी कि 2011 से 2015 के बीच में कोझिकोड और मल्लपुरम के कुछ शहरों में दो मान्यता प्राप्त जो केंद्र है वहां पर 5,793 लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कबूल करने वालों में ज्यादातर जो है वो महिलाएं शामिल थी। इनमें भी 76% जो महिलाएं थी वो 35 साल से कम उम्र की थी और धर्म परिवर्तन करने वालों में 4,719 हिंदू और 1,074 ईसाई शामिल थे। इन महिलाओं को बाद में ISIS का हिस्सा बनाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक साल 2016 मई और जून के करीब लगभग 2 दर्जन लोगों को ISIS का हिस्सा होने जा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब जांच की गई तो ISIS के कासरगोड मॉडल का पता चला और सबसे ज्यादा लापता होने वालों में इसी जिले के रहने वाले थे। फिल्म अपने ट्रेलर के रिलीज के बाद ही विवादों में आ गई और लोगों ने इसे बैन करने के लिए याचिका दायर करना शुरू कर दिया था। इस याचिका में सबसे ज्यादा खराब अभद्र भाषा, इसके साथ ही ऑडियो विजुअल प्रचार के आधार पर इस रिलीज को रोक लगाने की मांग की। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ राज्यों में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वही कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी धर्म के प्रति अपशब्द ना बोलें। थैंक यू।